हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू। आप सभी का मेरे कुक विद एम किचन में स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि नवरात्र चल रहा है तो हमारे और हमारी फैमिली के तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज फ्रेंड मैं बहुत ही हेल्दी नाश्ता आपके लिए लेकर के आई हूं, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक कटोरी के लगभग साबूदाना 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसको अच्छी तरह से वॉश करके भिगोया था। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा साबूदाना जो है, देखिए फूल गया है ये। तो इसी का मैं नाश्ता बनाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि नवरात्र चल रहा है तो इसमें जो है कुछ ना कुछ हेल्दी खाने का मन करता है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया है, तो आप ये डालेंगे 1 चम्मच के लगभग घी। और सबसे पहले इसमें जो है मैंने देखिए मूंगफली ले लिया है, तो मूंगफली को डाल के इसको मुझे थोड़ा सा रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट कर लेंगे। ये नाश्ता जो है बनके बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनता है, तो आप इसको जरूर बनाइएगा। देखिए हमारी मूंगफली जो है हल्का सा आवाज करने लगी है ना, तो अब इसी में क्या करेंगे, थोड़े से मैं काजू डाल दूंगी। इन सारी चीजों को अच्छे से देखिए, हमारी मूंगफली दोनों चीजें अच्छे से हो गई हैं। भाई इससे ज्यादा नहीं करना है, बस देखिए हल्का लाल हो गया है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब इसी तेल में थोड़ा सा देखिए बचा हुआ है, तो इसी में क्या करेंगे, इस मखाने को इसको भी रोस्ट कर लेंगे। हमारा मखाना देखिए भून गया है, इसको भी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे ना, इसमें जो है 1 चम्मच के लगभग घी डाल देंगे। और इसी में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, करी का पत्ता, अदरक डाल देंगे। जाएगा हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी में मैंने 2 आलू ना उबाल कर रख लिए थे, तो ज्यादा नहीं है, मतलब टाइट ही है, बहुत उबाल के नहीं रखना, ज्यादा गीला नहीं करना है। इसको भी डाल देंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो है आलू भुन गया है, तो अब इसी में क्या करेंगे, ये जो टमाटर है ना, तो टमाटर को डाल देंगे इसमें। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और इसी में जो ये साबूदाना रखा है इसको डाल देंगे। ये बहुत ही झटपट फ्रेंड बन जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छे। तो आप इसको जैसे ब्रेड है तो ब्रेड से तो खा सकते हैं, और आप बिना ब्रेड के भी आप खा सकते हैं बना के सब्जी भी।
इसमें कोई मसाले वगैरह कुछ की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से क्या करेंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे। अब थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे देखिए मैंने जो है नमक जो है सेंधा नमक का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर आप बिना ब्रश के खा रहे हैं तो आप ऐसे भी कोई भी नमक डाल दीजिए जो भी आप खाते हैं। तो सारी चीजों को मिक्स करके अब इसमें जो है पानी डाल देंगे। इसको जो है 1-2 सेकंड के लिए इसी तरह जब तक उबाल ना जाए इसको ढक देंगे, इसको चलाते भी रहेंगे। तो इसको चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी चीजें मेरी अच्छे से देखिए मिक्स हो गई हैं, और क्योंकि साबुदाना मैंने पहले ही भिगो दिया था तो इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। और अब क्या करेंगे, इसमें जो है ये है ना मूंगफली काजू वगैरह हमने जो फ्राई करके रखा था रोस्ट करके, तो इसको भी डाल देंगे। और इसी में थोड़ा धनिया का पत्ता है तो वो जो डाल देंगे। तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख रहे हैं कि हमारा जो है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। और देख रहे हैं कि थोड़े से चीजों से कितने लोग अपना 5 से 6 लोग आराम से खा सकते हैं नाश्ते में। और इसी में थोड़ा सा फ्रेंड अगर आपके पास नींबू है तो नींबू जो है आप डाल दें। एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो है साबुदाने का नाश्ता बनके तैयार है और बहुत ही झटपट। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप प्लेटिंग इसको लगा लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए हमारा साबुदाने का नाश्ता बहुत ही अच्छे से बनके तैयार है ये, और देख रहे हैं कि कितना टेस्टी बना है ये। तो आप इसको देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं अब बहुत ही झटपट बनता है ये। तो आप इस तरह से बना करके खाइएगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। और एक बार फ्रेंड मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ ये। तो फ्रेंड ये बहुत ही सुपर टेस्टी बना है, तो आप इसको जो है बना के खाइएगा। और नवरात्र में ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, तो आप जब भी मन करे और बहुत ही झटपट चीज़ों से आप बना के खा सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद एम किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।